6.9 कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, बड़ी नहीं, क्यों? Why are cells usually small? कोशिकाओं का आकार अक्सर इतना छोटा होता है कि बिना किसी आवर्धक उपकरण की मदद से इन्हें देख पाना संभव नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोशिकाओं का आकार इतना छोटा क्यों होता है? अगर कोशिकाएं बड़ी होती तो क्या होता? आकार छोटा होने से कोशिकाओं को क्या-क्या लाभ होते हैं? हमने पढ़ा कि कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न गैसों आदि का आवागमन होता है। यह आवागमन कोशिका झिल्ली के सतही क्षेत्र से होता है। विभिन्न पदार्थों का आवागमन कम दूरी कम समय में होता है, तो ऊर्जा भी कम खर्च होती है। यह तभी संभव है जब कोशिका का आकार छोटा हो। आइए इसे गणितीय रूप में समझने का प्रयास करें। यदि कोशिका गोल हो तो कोशिका का व्यास बढ़ाने से उसके सतही क्षेत्रफल में वर्गात्मक गुणक वृद्धि होती है तथा आयतन में घनात्मक गुणक वृद्धि होती है। सारणी अनुसार क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का संबंध। सारणी के आधार पर इन सवालों के उत्तर दें। यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या सतही क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है? यदि कोशिका का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो बाहरी वातावरण में उपस्थित पदार्थों के कोशिका से संपर्क की मात्रा भी बढ़ जाएगी। कोशिका का आयतन बढ़ जाने पर जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। हमने पढ़ा भी है कि आकार में वृद्धि होने से आयतन की तुलना में सतही क्षेत्रफल में कम वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थों के अंतर्ग्रहण की मांग सतह द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी व जैविक क्रियाओं की गति धीमी हो जाएगी। इस प्रकार का संबंध विभिन्न आकृति की कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है। आपने कुछ बड़ी कोशिकाओं जैसे पंछियों के अंडे का योग वाला भाग, मछली के अंडे की कोशिकाओं को देखा होगा। ये कोशिकाएं अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस अवस्था में इनकी जैविक क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आकार में बड़ी होने के बावजूद ये कोशिकाएं किस प्रकार जीवित रह जाती हैं। 6.1.0 क्या कोशिकाएं चपटी ही होती हैं? आर सेल्स फ्लैट? सामान्यतः जब हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी संरचना चपटी या द्विआयामी प्रतीत होती है। वास्तव में कोशिका की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई होती है, अर्थात यह त्रिआयामी होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आसानी से देख सकते हैं पर मोटाई नहीं, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिका चपटी होती है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम कोशिका की मोटाई का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अंडे एवं संतरे की कोशिका से भी हम कोशिका की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का आभास प्राप्त कर सकते हैं।